Assalamualaikum and a very good morning Jaago Lahore के नए सेट के साथ मैं हूँ सैयदा आर्मला हसन. उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मजे में होंगे जनाब. और वीकेंड है और आपने लाहौर न्यूज की एनिवर्सरी भी हमारे साथ सेलिब्रेट की, तो एनिवर्सरी के बाद हमें भी सरप्राइज मिला है. और ये सरप्राइज कुछ बहुत अच्छा हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें बहुत कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं. डेफिनेटली हमारा नया सेट, नया जो कह लें ग्राफिक, ये सारी चीजें जो है हमें एक सरप्राइज के साथ मिली है और हम बहुत एक्साइटेड थे. हमने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे. कुछ हमारा लोगो भी चेंज हुआ है, कुछ हमारी स्क्रीन भी ब्राइट हुई है और हमारा सेट भी खासा ब्राइट हुआ है. मैं वॉक करूंगी और साथ साथ मेरे कैमरे में आपको अपना सेट भी दिखाएंगे जनाब. जागो लाहौर का नया सेट और हमने बहुत मजेदार तरीके से इसको सोचा था कि आज हम आपको ये सेट दिखाएंगे. और इस पे आज ढेर सारा एडिशन भी हुआ है, प्रॉप्स एड हुए हैं, हमारे जो स्क्रीन्स हैं उन पे लोगोस वगैरह भी बहुत बेहतरीन हुए. तो ये सारी चीजें हम अपनी क्रिएटिव टीम का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे. मैनेजमेंट ऑब्वियसली, उनके बगैर तो कुछ मुमकिन नहीं है. और हम नई एनर्जी के साथ आए ना सेट पे, कलर्स भी कुछ मॉर्निंग फील वाले हैं तो आपको अच्छा लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है. आपने हमें जरूर बताना है हमारे फेसबुक पेज पे कि आपको मेरा नया सेट कैसा लगा. हम तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस नए से. वो आपको होता है ना जब आप स्कूल जा रहे हो या कहीं पहले दिन जा रहे हो, नया बैग, नई चीजें मिल जाए तो आपकी एक्साइटमेंट लेवल या जाने के लिए एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है. तो हमारा भी कुछ हाल ऐसा ही हुआ कि जब हम सुबह सेट पे, तो आज सब यहाँ पे अच्छी खासी रौनक थी, सारे देखे थे अच्छा ये प्रॉप्स पे ऐड हो गए, ये भी हो गया, वो भी हो गया, कुछ हमारी लाहौर न्यूज़ की बुक्स भी थी. हम सब बस इंजॉय कर रहे थे उसको कि ये नई चीज़ वाली फील आ रही थी. अच्छा जनाब, और आज हम आपके साथ डेफिनेटली कुछ रिसर्च भी शेयर करेंगे, कुछ बातें भी करेंगे. मैं बैठ जाती हूँ उससे पहले कि मैं कुछ गिरा दूँ चाय या फिर अपने हाथ से क्यू कार्ड. अच्छा जनाब, रिसर्च कुछ यूँ है कि आज हम आपको एक फल के हवाले से बताने वाले हैं जो फल ना तो किसी ने खाया ना शुरू में किसी ने उसको देखा था. और वो क्या फल था जनाब, बहुत ही नायाब फल है और ये इंडोनेशिया में पाया जाता है जनाब. और इसकी कीमत जो है पाकिस्तान में कोई कह लें सोने की 2.5 तोले कीमत के बराबर है. तकरीबन 1,40,000 रुपए का फल या फ्रूट आप जिसको कहते हैं उसको खाने को मिल जाए तो आप परेशान ही हो जाएंगे जनाब. दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के करोड़ों अफराद इस फल का ना तो नाम जानते हैं और ना ही उन्होंने कभी इस फल को देखा है या इसको चखा है. ताहम इस महंगे तरीन फल के बारे में ये कहा जाता है कि कुछ ये फल जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर के अलावा कुछ पड़ोसी ममालिक में भी दस्तयाब है. और ये एक जायकेदार फल है जिसकी जो कह लें ब्रीड है वो इंडोनेशिया के एक शॉपिंग मॉल में तकरीबन 1,000 अमरीकी डॉलर की फरोख्त जो कीमत है उस पर फरोख्त किया जाता है ये फल. और इस फल की जो कहा जाए तकरीबन इंडोनेशिया के जो अफराद हैं उनकी यौमिया तनख्वाह भी इतनी नहीं होती जितनी इस फल की कीमत है. और एक आम जो इंडोनेशियन शख्स है वो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अजरत की बात की जो 190 अमेरिकन डॉलर्स होगी, लेकिन इस एक अदद फल की कीमत जो है 1,000 अमरीकी डॉलर है जनाब. और पाकिस्तानी रुपये में जैसे मैंने आपको बताया 1,40,000 रुपये के करीब बनती है. और इतना आप सोना खरीद लें 2.5 तोले मतलब आपने फल. लेकिन ये फल जनाब कहा जाता है ड्यूरेन नामी एक नायाब जिन्स है. इस फल को का जो दरख्त है हर 3 साल बाद सिर्फ 20 अदद फल जो है इस पे आते हैं. और इस फल को जे क्वीन का नाम दिया गया है. और इस को नायाब इसलिए कहा जाता है कि बहुत सालों बाद यानी कि 3 से 4 साल के अरसे में इसकी जो दरख्त है वो तकरीबन जनाब कोई 20 के करीब फ्रूट्स देता है, जिसकी वजह से जो है जनाब यहाँ पर अक्सर कहा जाता है कि ये फल नायाब भी है और बहुत ज़्यादा महंगा भी है. तो इंडोनेशियन में ये फल है जनाब, इसको वहाँ पे दस्तयाब है और लोग दूर दूर से शॉपिंग मॉल का रुख कर रहे हैं जहाँ पर ये फल मौजूद है और ताकि लोग इसको खा सकें. और जे क्वीन है जनाब इस फल का नाम, तो आप इसको सर्च भी करें और फिर आपको इसको पता भी लगेगा. अच्छा जनाब, ये तो हमने आपके साथ शेयर कर ली रिसर्च एक नायाब फल के हवाले से. उसके साथ साथ हम आपके साथ कुछ शेयर करने वाले हैं, वो है जर्मनी में जो वंडरलैंड की सैर अगर आप करना चाहते हैं. मिनिएचर आर्ट से भरपूर जनाब ये वंडरलैंड है जिसमें आर्टिफिशियल चीज़ें बनाई गई हैं. एक छोटी सी दुनिया है जहाँ पर हर चीज़ मौजूद है, चाहे वो घर हैं, दफ्तर हैं, सड़कें हैं, दरिया है, समंदर है, ट्रेन हैं, जहाज़ हैं, मतलब हर तरह की चीज़, इवन इंसान और परिंदे भी बनाए गए हैं जनाब. और ये दुनिया, ये छोटी सी जो दुनिया है इसकी एक शक्ल जर्मनी के शहर हैम्सबर्ग में सजाई गई है. और यहाँ टाउन हॉल से पैदल 10 से 15 मिनट की वॉक पर मिनिएचर वंडरलैंड है जहाँ इस जगह पर कायम है. और इस मिनिएचर वंडरलैंड के बारे में जनाब कहा जाता है
कि दो जुड़वा भाइयों ने इसको बनाया और इन्होंने रेलवे स्टेशन को एक छोटे स्केल पर बनाने की कोशिश की, जो कहा जाता है 2001 में इनकी मुकम्मल हो गई। उसके बाद छोटी सी ये दुनिया में स्विट्जरलैंड, अमेरिका, जो आप कह लें न्यूयॉर्क, इसको छोटे स्केल पर दिखाया गया और दुनिया में इस तरह की सबसे बड़ी नुमाइश है। लाखों लोग जो हैं हर साल इसे देखने के लिए आते हैं और इस दुनिया को देखने के लिए भी आपको वीजा चाहिए होता है। एंट्री टिकट वाली जगह पर आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से मुल्क से आए हैं और आम तौर पर जनाब बच्चों के लिए और बड़ों के लिए कहा जाता है, बच्चों के लिए कहा, लेकिन इसमें हर एज ग्रुप के लोगों के लिए कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट है और ये मिनिएचर आर्ट से भरपूर एक दुनिया है जहाँ पर आप जा सकते हैं और इतनी बारीकी और इतनी नफासत से ये जनाब चीज़ें बनाई गई हैं। और मैं आपको ये भी बताऊँ इसकी डिटेलिंग में कि यहाँ पर तकरीबन 1300 ट्रेन्स हैं जो बनाई गई हैं, जिनके डब्बों की तादाद 10,000 से ज़ायद है, 1,00,000 से ज़ायद चलती हुई गाड़ियाँ हैं, जबकि तकरीबन 5,00,000 लाइट्स और 1,30,000 दरख्त। और इसमें इसी तरह की, अच्छा ये आपको पिक्चर्स में बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें बनाई गई हैं। मिनिएचर का मतलब ही ये है कि बहुत छोटी क्रिएचर्स को बनाया जाता है और ये जहाज, एयरपोर्ट्स, ये जो ब्रिजेस हैं, समंदर हैं, ये जर्मनी में जनाब है और यहाँ पर 1 घंटे पर दर्जनों परवाजें उड़ती भी हैं और ये परवाजें कैसे रनवे पर दौड़ती हैं ये भी दिखाया गया है। तो लिहाजा आप इस छोटी सी दुनिया को देख सकते हैं, मिनिएचर वंडरलैंड इसको कहा जाता है और ये जर्मनी में है जनाब। तो ये तो हमने आपके साथ शेयर कर लिया इस मिनिएचर वंडरलैंड के हवाले से कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और आप किस किस तरह से इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं छोटी सी जगह पर। अब जरा हम आपको एक अमेरिकन खिलाड़ी के हवाले से भी बताएंगे जो अज़्म हिम्मत की मिसाल हैं और वो मिसाल इस तरह से है कि जनाब वो माजूर है, माजूरी के हवाले से, क्योंकि उनके आप अभी आप फुटेज में भी देखेंगे कि ये दोनों टांगों से माजूर हैं और इन्होंने बहुत बड़े बड़े मुकाबले भी जीते हैं, बास्केटबॉल हो चाहे जो डोमेस्टिक लेवल पर होने वाली हो, रेसलिंग और 80 किलोमीटर पर मुहित सख्त तरीन दौड़ के मुकाबलों में ये बगैर जो अपनी टांगे डेफिनेटली माजूर हैं, तो बगैर टांगों के बगैर अपना लोहा जो है वो मनवा चुके हैं। 32 साल ये अमरीकी शहरी है जिसने मुकाबलों में फतह अपने नाम की जबकि एक मुकाबले में चौथी पोजीशन भी हासिल की है। इनके साथ एक हादसा हुआ था और उस हादसे के बाद उन्होंने इसको बिल्कुल भी एक कहले हर्डल नहीं समझा, उसके बावजूद अब ये सारा काम जो है अपने इस माजूरी की हालत में करते हैं। और उन्होंने बताया कि मेरी वालिदा ने हादसे के बाद कहा था कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि मामूल से हटकर हो और मैं रेसलिंग चैम्पियनशिप में 50 मील दौड़ के बाद अब ईगल जो है स्काउट भी हूँ। और जब तक इन्होंने कहा है इन बाहिम्मत नौजवान ने कि जब तक हम अपने आप को धकेलेंगे नहीं, चैलेंज नहीं देंगे, उस वक्त तक हम अपनी पूरी ताकत और सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और कैसी भी माजूरी हो, डेफिनेटली अगर आपका अज़्म अच्छा है, बुलंद है, हौसला अच्छा है, तो आपको कोई भी चीज़ आपकी राह में आड़े नहीं आ सकती। और ये आप इनकी फुटेज में भी देख सकते हैं कि किस तरह दोनों टांगों से महरूमी शख्स अपने सारे काम बासानी आप जो कह ले सर अंजाम भी देते हैं, उसके साथ साथ ये इसमें चैम्पियन भी हैं। मतलब स्पोर्ट्स करना एक बड़ी फिजिकल एक्टिविटी है और बगैर टांगों के ये इस चीज़ को करते हैं, तो डेफिनेटली इनके हिम्मत की हम ज़रूर सराहते हैं। और आज हमने इनको शेयर भी किया क्योंकि सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोज़ बहुत सारे पेजेस पर शेयर भी की गई और इनको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। तो जनाब ये तो थी आज की रिसर्च हमने आपके साथ शेयर कर ली है। अभी वक्त तो एक ब्रेक का, आप हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए जागो लाहौर।